वो भी होगी हुंडई होगी मारुति होगी व्हाटएवर जो भी है यार, ये लोग जो कंपनी वाले अलॉय बना के देते ना, ये लोग यार इतने इंडियन है, चाइनीज है या फिर इंडोनेशियन है, मेड इन ताइवान है, कौन से क्या रहने वाले हैं। अगर आप नेट वगैरह डलवा रहे हैं तो उसके साथ आपको एक पाना भी लेना पड़ेगा, मैं आपको पाना दिखा देता हूं, मैंने अभी तक उसको गाड़ी में। पर्सन टू पर्सन वेरी करता, सबकी चॉइस अलग अलग होती है, किसी को शॉप पे सेल करना है, किसी को थर्ड बंदे को देना है। So, hey guys, what's up, back to my channel. आज आपको सिर्फ डिजायर दिखाने वाला हूँ जो राही भाई की गाड़ी है। राही भाई आ जाओ, पहले तो हेलो कर दो। What's up? राही भाई ने स्टार्ट कर दी मॉडिफिकेशन गाड़ी की, जैसे कि आप थोड़ा लुक देख पा रहे होंगे, पीछे पास मत दिखाओ। करते वीडियो स्टार्ट, कॉस्टिंग वगैरह जाने, कौन से लगवाए हैं, क्यों लगवाए हैं, कौन सी ब्रांडिंग रहने वाली, इंडियन है, चाइनीज है या फिर इंडोनेशियन है, मेड इन ताइवान है, कौन से क्या रहने वाले हैं, और इनके जो स्टॉक लगाए थे किसके थे? मारुति के सियाज वाले लगाए, सियाज वाले लगाए थे। इसकी कॉस्टिंग क्या थी? 23,000। उसको सेल किया ना? हाँ, उसको हटा दिया है, तो उसकी क्या कॉस्टिंग है सब कुछ जाने की, तो मेक श्योर आप वीडियो लास्ट तक, तो आ जाओ। सो गाइस, जी आ चुकी है राही भाई की गाड़ी, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होगे। तो राही भाई आ जाओ पहले, तो इधर पहले मेरे को सब कुछ बताओ, अलॉय चेंज कराने का क्या रीजन था? एक्चुअली अलॉय चेंज कराने का रीजन मुझे ये लगा कि सबसे पहले अगर आप अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन कराते हो तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगा कि सबसे पहले अलॉय व्हील पे जाना चाहिए, क्योंकि यार बाकी और भी काम मैंने बहुत सारा करवाना है अपनी गाड़ी में, इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर तक बहुत कुछ होने वाला है, मैंने स्टार्ट कर दिया सब कुछ। राही भाई के चैनल पे आपको मिल जाएगी, चैनल का नाम आप देख, मैंने बता दिया। तो मैंने तो ये सोचा कि जब आप कोई भी बंदा बेसिक मॉडिफिकेशन कराता है, ये जूते रहने वाले आप देख तरह से, यस, तो जो कहते हैं ना जूतों से पहचान होती है बंदे की, तो वही चीज है टायर का। अलॉय व्हील फर्स्ट स्टेप है अगर आपको मॉडिफिकेशन कराएं, उसके लिए मैंने सोचा अलॉय व्हील सबसे पहला स्टेप रहना चाहिए अगर आप अपनी गाड़ी पे मॉडिफिकेशन करवा दो, तो जो मेरी सोच थी उसके अकॉर्डिंग आ गई हमारी। तो वो 23,000 के थे जो आपने मारुति से लिए थे, कितने महीने पुराने थे? वो हार्डली 5 से 6 महीने खाली यूज किया, अच्छे थे नो डाउट, चलने में यार ऑब्वियसली बात है कुछ पता नहीं चलता, चलने के बाद इश्यूज नहीं थे, बट यार लुक मैटर करती है यार, मेरे मन भर गया मारुति वाले की इतनी अच्छी लुक नहीं है, तो आप बलिलों के साथ आ रही है वो तो बड़ी पार्ट है। एक्चुअली देखो मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूं कि जो हमारे कंपनी जो भी होगी, हुंडई होगी, मारुति होगी, व्हाटएवर जो भी है यार, ये लोग जो कंपनी वाले अलॉय व्हील बना के देते ना, ये लोग यार इतने कैडे अलॉय व्हील बना के नहीं देते, मस्त अलॉय व्हील बना के देते ही नहीं यार, अगर ये लोग मस्त बनाएंगे तो हम आफ्टर मार्केट में जाएंगे नहीं। ये पॉइंट वाली बात बोल दी राही भाई ने, 23,000 के वो अलॉय लिए, वो एकदम 5 महीने यूज करने के बाद हटा दी, उसकी कॉस्ट क्या बताऊं, बताऊंगा अभी कितनी ही गई, लेकिन अभी पहले आप ये इंक्यूबस के अलॉय जो मैं राहुल सिंह से बोलूंगा आप दिखाओ। तो ये रहने वाले इंक्यूबस के अलॉय, और टायर अपना स्टॉक टायर है, 14 इंच अलॉय लगवाया, एकदम स्टॉक रहा है इसको। एक बार मैं आपको दिखा दूं कितना इंचीज रहने वाला है। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 165/80 और अपना R14 रहने वाला है, अंदर राही भाई ने करवाया येलो कलर का, और जैसे कि आप नट देख पा रहे हो कि स्टेनलेस स्टील के हैं, ये कितने के पड़े नट? नट अराउंड 600 रुपए कुछ के नट पड़े। एक्चुअली देखो वही था कि अगर आप नट देख पा रहे ना, ये तो ये नट बहुत लंबे है, अच्छा जो स्टॉक में आए थे वो काफी छोटे से थे, वो तो कोई भी पानी से खुल जाएगा, वो खुल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है लंबे वाले लगवाए क्योंकि इजीली जो है बाहर तक भी है, ऐसा ना हो कि जो मैं छोटे वाले लगाऊं तो एकदम ही अंदर चले जाए और जो मेरा पाना है वो अंदर तक पहुंच ही ना पाए, उसकी वजह से पहले मैंने लंबे वाले नेट लगवाए हैं जो कि मुझे 500 से 600 के अराउंड पड़े हैं। यही बात खत्म नहीं होती है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप नेट वगैरह डलवा रहे हैं तो उसके साथ आपको एक पाना भी लेना पड़ेगा, मैं आपको पाना दिखा देता हूं, मैंने अभी तक उसको गाड़ी में रखा हुआ है, अंदर भी तो पाना मेक श्योर आपको कैरी करना पड़ेगा, एक बार ये पाना देख लो, पाना रहने वाला है, ये अलग से मैंने परचेज किया है, इससे आप सर भी फोड़ सकते हो किसी का, फेंक के मारना एकदम। इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है अराउंड, इसकी अलग पड़ी है, ये अलग से, ये मैंने अलग से परचेज किया था, ये मेरे को शॉप वाले भैया ने प्रोवाइड करवाया था, इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 250 रुपए, 250 रुपए की रहने वाली। एक चीज मैं आपको रोक के बताना चाहूंगा, अगर आपको भी नहीं पता राही भाई, तो उसका फायदा क्या होता है, स्टॉक जो मैंने आपको बताया किसी भी खुल जाते हैं, वो कोई चोरी करने आएगा तो आपने सुना भी होगा कि ईटो पे मेरी गाड़ी खड़ी करके चला गया, क्यों? क्योंकि उसने अलॉय पे तो अच्छे खासे 60-70 हजार लगा दिए, बट नट पे नहीं लगा, एक तरह से सिक्योरिटी की भी रहने वाला, कोई से खोल नहीं पाएगा डंडे के बिना, अगर आप अलॉय डलवाते हो तो नट एटलीस्ट चेंज करवा लो, बिल्कुल चेंज करवाओ, और पाना पहले ले लेना, कहीं गाड़ी पंचर हुई तो ये आपके स्टॉक वाले पाना से उससे नहीं खुल पाएगा, और जो होता है पंचर वाला वो अच्छी खासी लेने देनी कर देगा आपकी। एक बार फ्रंट से भी आपको लुक दिखाओ, तो कुछ ऐसी रहने वाली है, बेसिकली मेड इन इंडोनेशिया रहने वाला। रीजन कहता है न्यू व्हील्स भी आप मेरे को बता रहे थे आपके ऑप्शन है, लेकिन मेरे को जब मैं गया मैंने पसंद किया थोड़ा, तो मेरे को ज्यादा अपने ऑप्शंस जो इंक्यूबस में ज्यादा अच्छा लगा, नो डाउट न्यू के भी अच्छे थे नो डाउट, बट मेरे को जो कहते ना दिल आना वो आ गया था, प्यार हो गया था, तो गया था। अब नेक्स्ट चीज क्या होने वाली है, मोटा मोटा बताओ, मोटा मोटा अगर बताऊँ तो चलो थोड़ा मैं अपना गाड़ी की आवाज़ है ना थोड़ी
अंदर का लुक, अंदर का लुक तो खैर है, अंदर का लुक भी होने वाला है नो डाउट, लेकिन पहले एक्सटीरियर बताऊंगा तो एक्सटीरियर में इसकी गाड़ी की आवाज ना थोड़ी चेंज होने वाली है, हिंट दे रहा हूँ। अच्छा हिंट दे रहे हैं, तो भाई सब जगह राई भाई ने करा रखा है। अलॉय का लुक जैसे कि आप देख पा रहे होगे, आपको रनिंग शॉट भी मैं दिखा दूं कैसे आ रहे गाड़ी के। मैं कहना चाहूंगा अलॉय लगा तो एक टायर अपसाइज करना चाहिए था। एक्चुअली देखो अपसाइज का मेरा प्लान है, मैंने तो सोचा पहले इसमें नॉर्मल में अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि अगर आप नॉर्मल स्टॉक टायर पे लगवाते तो किस तरीके का लुक देता है, तो मैंने इस वजह से जो है इसको जो अपग्रेड नहीं करवाया, और वैसे मेरे टायर भी देखो एकदम नए इस टाइम पे यार, थोड़ा चलाऊंगा इसको भी घिसूंगा, तो उसके बाद मैं जो है अपना टायर जो है एकदम लो वाला टायर लगवाने वाला हूं। अच्छा। जो कि बहुत जल्दी उसकी वीडियो भी चैनल पे आने वाली है। तो कई बंदों ने यही पूछा अगर हम नॉर्मल अलॉय डलवा दें स्टॉक में स्टॉक टायर पे तो कैसे दिखते हैं, तो भाई देख लो ये ऐसे दिखते हैं, आधा इंच का फर्क लग रहा होगा अगर मैं आपको दिखाऊं इस साइड से भी, तो ये देखो आधा इंच का मैक्स टू मैक्स फर्क लग रहा होगा, इतना नहीं, पुराने से आप देखोगे तो आपको जमीन आसमान लगेगा, लेकिन जो उसमें टायर लग जाएंगे लो प्रोफाइल वाले, हाँ लो प्रोफाइल वाले टायर जो उसमें लग जाएंगे तब इसकी लुक आपको और हद तक एनहांस करेगी देखना। बट लो प्रोफाइल टायर मैं रिकमेंड करूंगा भाई अच्छी कंपनी के डलाना, ये केंडा कुंडा मत डलवा लेना, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो टायर देख के आप खुश हो जाओगे। सब्सक्राइब बटन, तो भाई यहाँ पे हाथ वात भी कांप रहे, मौसम की ऐसी तैसी हो रखी है, बहुत ठंडा है, हाँ मत अभी चाय पीनी दो तीन दिन। बाकी राय भाई मैं जानना चाहूंगा एक चीज, ये तो आपने जो अलॉय थे पुराने वाले 23,000 के जो मेरे को रेट बता रहे थे जीएसटी वगैरह सब मिला मिलके, वो कितने के सेल हुए? तो मेरे अलॉय जो थे ना वो ज्यादा पुराने नहीं, 5 महीने बता रहे, 5 महीने पुराने थे हार्डली, मोटा मोटी बताऊं 6, तो उसकी कॉस्ट मुझे आराम से पड़ी है 6-7, उसको मतलब रीसेल वैल्यू आपको मिली, रीसेल वैल्यू मुझे 6-7 के पीछे पड़ी। आपने हर जगह पूछा भी होगा? हाँ मैंने पूछा था, तो यही मेरे को जो है प्राइस आ रहा था हर जगह से, अगर मैं उसको बाहर सेल करता तो मुझे उसके रेट्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन यार सही बताऊं तो यार इन पछड़ों में पड़ने का हाँ नहीं है, बेसिकली सही का, ये भी सही का, बट अगला बंदा आएगा देखेगा 10 चीजें होगी तो उससे बेटर है कि एक जगह जाके काम, ये सबका अपना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबकी चॉइस अलग अलग होती है, किसी को शॉप पे सेल करना है, किसी को थर्ड बंदे को देना है। सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, सही किया, अगर सिल्वर ही ले लेते तो फिर वो मारुति वाले टक हो जाते, इतना लुक नहीं आता। एक चीज और बताऊं, पहले वाले अलॉय थे वो भी सिल्वर ही थे यार, अलॉय लगवाया तो कुछ चेंज तो बनता है ना यार, गाड़ी व्हाइट रहने वाली है, तो मैंने सोचा कि उसके साथ क्यों ना अलॉय थोड़ा सिल्वर और ब्लैक में लिया जाए, और जो अंदर जो मैंने कैलिपर है अपना कैलिपर है उसको मैंने येलो करवाया, येलो ज्यादा हाईलाइट हो अंदर से, देखो रेड तो हर भी करवाता है, थोड़ा यूनिक कराना है, थोड़ा यूनिक कराएंगे, व्हाइट मैच भी कर रहा है और थोड़ा यूनिक भी लग रहा है। पीछे से भी आपने देख लिया होगा, पास से भी आपको दिखाऊं जो अपना ड्रम रहने वाला है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ जो इनक्यूबस लिखा है उसको आप सुजुकी भी लिखवा सकते थे, लेकिन इनक्यूबस है, इनक्यूबस रहेगा, हमको राही भाई का ओपिनियन रहने वाले। बट जैसा कि आपने सब कुछ देखा होगा, राही भाई ने आपको A to Z चीज एक्सप्लेन करा दी, क्या जो रीसेल वैल्यू वो मिली भाई, बात पूरे सुनो चुके, आई होप आप इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे। राही भाई मैं एक चीज पूछ चाहूंगा, ये जो अलॉय खरीदे आपने इनक्यूबस, किसकी क्या कॉस्टिंग पड़ी? देखो वैसे साइज भी मैटर करता है, आपको पता ही है, ठीक है 14 इंच ले रहे हैं 15 इंच ले रहे हैं, तो वो चीज प्राइस फुल मैटर करती है, लेकिन अपने जैसे 14 इंच रहा है, इसकी कॉस्ट जो हमको 14.5 से 15.5 के बीच में अप्रोक्सीमेट पड़ती है, 14.5 से 15 के बीच, 14.5 से 15 के अराउंड, मतलब इतना ही है ज्यादा, मतलब सब कुछ बराबर हो गया ना, पेंट अपना वगैरह, पेंट वगैरह का अलग से, ये अलॉय की बता रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है, और इसमें नट के अलग है। कहीं आप ये सोचो कि चल यार बंदे ने बताया कि 14 में हो जाएगा या 16 में हो जाएगा, तो आप उतने ही लेके जाओ, ऐसा मत समझना, नेट है तो नेट के अलग से है, 500-600 रुपए नेट के भी है, पेंट के अलग, पेंट के अलग है, 400 रुपए बता, 400 रुपए बता रहे थे पेंटिंग, तो ये चीजें भी है भाई, 400 रुपया बचा कह सकते हो, घर पे खुद पेंट कर लो भाई, 250 रुपए का स्प्रे पेंट आता है, 400 रुपए आपके काफी सेव हो जाएंगे, ये भी सही बात। लास्ट क्या कॉस्ट पड़ गया आपको? लास्ट कॉस्ट मेरे को ये पड़ी, देखो अलॉय व्हील पड़ रहा है अगर 14.5 से 15 के बीच में पड़ रहा है, वही मेरे 7,000 के बीच में मेरा अलॉय भी है, तो आराम से 7-8 हजार इतने के बीच में जो अलॉय पड़े। अब मुझसे पूछो कि भाई अलॉय सारे ठीक रहने वाले, चाहे आप कोई सा ब्रांड डालो, बाकी डिपेंड करता है आपकी पॉकेट में, क्योंकि राही भाई अगर आप अच्छे खासे ब्रांड पे जाते हैं और अच्छे खासे, तो 50-60 मतलब जैसे आप पैसे आप डालोगे वैसे उसके अकॉर्डिंग आपके अलग, जितना गोल डालो उतना चीजें मीठा होती है, वही वाली बात है, बिल्कुल वही रहने वाला है। सो गाइस आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अपनी गाड़ी एक तरह से रहने वाली, उसमें अलॉय लग चुके हैं, उसमें और सुंदर बनाने का स्टार्ट हो चुका है, सब्सक्राइब कर लो राही भाई को, सब्सक्राइब नहीं करा तो और भी बहुत सारे काम उसमें लाइन से करवाने वाला हूं, बहुत सारे। सो गाइस राही भाई को जाके जरूर सब्सक्राइब करना, यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी फिर लाइक करें बिना मत जाना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और यहाँ तक वीडियो देखी सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं किया दोस्त फैमिली और सब तक फैला दो, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राय भाई बाय।